वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखने वाली घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। अरे यार देखो, हम हिंदुस्तानी लोगों को स्पेशली बैटरी परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हैं 5000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस स्मार्टफोन में दिया जाएगा, साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट स्मार्टफोन में मिल सकता है। कंपटीशन तो मार्केट में बढ़ता ही जाता है, पर कंपटीशन को कंट्रोल में रखकर अपनी जीत को सक्सेस लेकर आए उसको कहते हैं स्मार्टनेस, जो हर कोई स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज अपनाता है और अपनाना भी चाहिए और सक्सेस भी पा रहे हैं। देखो यार, हर एक कंपनी की खास बात और कुछ कुछ होती है। सैमसंग की बात करें तो किडनी बेचने वाली, रेडमी की बात करें तो ऐसे ही खरीदने वाली। जैसे जैसे स्मार्टफोन के ब्रांड की वैल्यू है वैसे वैसे प्राइस उन्होंने रखते जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आता है, अगर आप लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को क्लिक कर हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। पर ये तो उनकी वैल्यू और उनकी कॉम्पिटिशन की बात होगी। ओप्पो, दुनिया भर में इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते ही जा रहे हैं, पर ओप्पो की बात करें तो एक नेक्स्ट लेवल के स्मार्टफोन हम ऑलवेज एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली चेन के अंदर एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, 60+ Pro स्मार्टफोन को इन्होंने लॉन्च किया था, पर रिसेंटली इंडिया में भी लॉन्च कर दिया है, जो एक कमाल की स्मार्टफोन है, जो फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन कहते हैं ना, ऐसी स्मार्टफोन को कहते हैं, क्योंकि 32 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर इन्होंने दिया है। इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप इन्होंने दिया है, जो कि कैमरा में ना एक नेक्स्ट लेवल की स्मार्टफोन ये होगी ही होगी, क्योंकि 50+48+32+8 मेगापिक्सल की 4 कैमरा दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते, जो कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन वाह गजब काम कर चुका है। पर ये तो फ्लैगशिप लेवल की स्मार्टफोन हो गई, पर हम लोगों के लिए मिड स्मार्टफोन में एक धासु परफॉर्मेंस स्मार्टफोन देखने के लिए जल्दी मिल सकता है, जो कि सेम टू सेम कैमरा फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन में भी मिलने वाला है। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्मार्टफोन में निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसको सुनते ही आप लोग बोलोगे कि वाह क्या गजब है ये स्मार्टफोन। सो इट्स नन अनदर देन ओप्पो A74+ स्मार्टफोन। पर स्मार्टफोन की स्क्रीन के बारे में बात करें तो एक टैबलेट जैसा बड़ा स्क्रीन स्मार्टफोन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्पेशली खास तौर पर गेमिंग लवर्स के लिए स्मार्टफोन बनाया जाने वाला है, क्योंकि 6.7 इंचेस की एक बड़ा वाला स्क्रीन स्मार्टफोन में मिलेगा, जिसको प्रोटेक्शन करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की सपोर्ट दी जाने वाली है, और साथ ही साथ IPS LCD स्मार्टफोन में स्क्रीन नहीं होगा। सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन एक नंबर का धासु परफॉर्मेंस लाकर हमको दे ही देगा, क्योंकि इसमें 144Hz की रिफ्रेश रेट। स्क्रीन के बारे में तो स्मार्टफोन एक नंबर का परफॉर्मेंस हाथ निभाने वाला है। फिलहाल के लिए स्मार्टफोन Geekbench के ऊपर लिस्ट हो गया है, और जल्द ही इंडियन मार्केट में भी आने वाले महीने में या 2 महीने में ये स्मार्टफोन मिल ही जाएगा। सिंगल वेरिएंट के स्मार्टफोन फिलहाल के लिए लिस्ट हुआ है, जो 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है, पर इतना तो हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये स्मार्टफोन में भी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, गेमिंग के लिए खास तौर पर ये स्मार्टफोन बड़े हाथ निभाने वाला है, क्योंकि Qualcomm की तरफ से आने वाला एक नया प्रोसेसर ये स्मार्टफोन में मिल जाएगा, और साथ में ये स्मार्टफोन में 5G वेरिएंट भी होगा अलग से मॉडर्न लगा के, या फिर इन्होंने कुछ भी ऐसे जुगाड़ कर दे सकते हैं। USB Type-C पोर्ट स्मार्टफोन में मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक भी इसमें होगा, क्योंकि ये मिड रेंज स्मार्टफोन है, ये सब कुछ तो देना बनता है। और कहा जा रहा है फर्स्ट टाइम ओप्पो की स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर की सपोर्ट दी जा सकती है। ऐसे स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या है राय, सवाल, सुझाव है, चार सेक्शन में आकर बिल्कुल फ्रीली बता सकती हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।